उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने हनीमून पर जाने के लिए बाइक और पैसों के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला, लेकिन पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान की और हनीमून से वापस आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान हासिम के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद खुदकुशी करके अपनी भी जान दे दी। परिवार वालों ने बताया कि गहनों को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस और प्रशासन ने मंगलवार को दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के 3 मंजिला घर को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी मौजूद रही। मकान के मालिक पर आरोप है कि उसने करीब 4 दिन पहले एक युवती को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया था और फिर ईंट मारकर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पिछले 4 दिनों से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी सोमवार देर रात पूरी हुई। इस दौरान करीब 300 आयकर अधिकारियों ने करोड़ों रुपयों की नकदी सामान और बेनामी संपत्ति जब्त की है। बरामदगी में करोड़ों रुपयों का सोना भी शामिल है। बताया गया है कि विभाग ने यूपी में करीब 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई 95 घंटों से ज्यादा चली है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ससुर ने अपने सिपाही बेटे की पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने कुल्हाड़ी से महिला की गर्दन काट दी, इसके बाद वो कहीं भागा नहीं बल्कि घर के बाहर बैठ गया। घटना को देख गांव में दहशत फैल गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक के घर के बाहर मंगलवार को दिन निकलते ही घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यहाँ चिकित्सक की दूसरी शादी की खबर मिलते ही उसकी पहली पत्नी ससुराल पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पीएम मोदी ने मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 16,000 संगठनात्मक मंडलों और 10 लाख बूथों पर 3 करोड़ कार्यकर्ता जुड़े। पीएम ने लखनऊ महानगर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता रीना चौरसिया से बातचीत की। रीना ने सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम में मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं की महिला लाभार्थियों के साथ सबसे अधिक सेल्फी पोर्टल पर अपलोड की थी। आगरा में तैनात इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर को राजस्थान के गैंग ने ब्लैकमेल किया। उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हैक कर लिया। 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रुपए न देने पर सोशल मीडिया पर गलत मैसेज वायरल, बदनाम कर दिया। विंग कमांडर की तहरीर पर थाना शहनाज पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बार फिर हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में लोगों के फंसने का मामला सामने आया है। जानकारी होने पर सोसाइटी के अन्य लोगों ने लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला कवि नगर थाना क्षेत्र के गौर होम सोसाइटी का है। IIM रोड पर रविवार देर रात जॉगर्स पार्क चौराहे के पास बुलेट से तेज रफ्तार में आ रहे पुलिसकर्मी ने सड़क पार कर रहे सीतापुर के लहरपुर निवासी मजदूर सुरेश को कुचल दिया। चंद मिनटों में उसकी मौत हो गई। हादसे में बुलेट चला रहे सिपाही अजय जाट को भी गंभीर चोटें आईं। ट्रामा में उसका इलाज जारी है। हादसे की सही सूचना न देने और गुमराह करने पर काकोरी थानेदार विजय यादव को हटा दिया गया है।